साहब मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ आ जाओ अंदर। बैठो काका। हाँ काका बोलो क्या काम है? साहब मुझे बंदूक के दो लाइसेंस चाहिए। पहले तुम काका ये बताओ तुम अपने घर से यहाँ तक आए कैसे? साहब मैं अपने गांव से पैदल चलकर आया हूँ। कहाँ रहते हो तुम? साहब मैं ग्राम सादी नदी रहता हूँ और यहाँ से करीब 5 किलोमीटर दूर है। अरे तुम्हें क्या ही जरूरत है, पहले अपना हाल देखो, अपने लिए अच्छे कपड़े ले आओ। तुम्हारे पास ना आने जाने के लिए किराया है, ना तुम्हारे पास साइकिल है, इस बंदूक का क्या करोगे तुम? काका बंदूक के लिए अच्छा नाम, पैसा, इज्जत या तुम्हें किसी से कोई जान का खतरा हो तो ही मिल सकती है, फ्री में बंदूक नहीं मिल सकती। और तुम्हारे पास इतना पैसा भी नहीं है कि तुम बंदूक खरीद सको। हाँ साहब मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है, ना ही मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं अपने साधन से यहाँ तक आ सकूं। लेकिन साहब मेरे घर में दो जवान बेटियां हैं जो कि रोजाना पढ़ने के लिए शहर आती हैं। और साहब आपको पता है ना कि यहाँ पर आदमियों के भेष में जानवर खुलेआम घूम रहे हैं। और साहब मुझे अपने दोनों बेटियों की सुरक्षा के लिए बंदूक चाहिए, मैं अपने पूरे जीवन की पूंजी लेकर आया हूँ साहब। काका बेटियों को खूब पढ़ाओ खूब लिखाओ, पर ये बंदूक की क्या जरूरत है? साहब सरकार ने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ तो कह दिया, लेकिन जब उन्हीं बेटियों के साथ गलत होता है और कोई दरिंदा उसकी इज्जत लूट लेता है तब यह सरकार क्या करती है? जब जिन दरिंदों ने उसकी इज्जत लूटी होती है साहब और उसे बेरहमी से मार दिया जाता है और सारे सबूत उसके खिलाफ होते हैं, फिर हमारी सरकार उसे 10-10 साल अपनी जेल में क्यों रखती है साहब? और जब कानून उसे फांसी की सजा सुना देता है तो फिर उसे फांसी से बचने के लिए क्यों प्रावधान होता है साहब? क्यों बड़े लोगों के सामने हमारा कानून झुक जाता है? क्यों हमारे गरीबों की कोई सुनवाई नहीं होती है साहब? साहब जब एक बाप अपनी बेटी की इतनी खराब दुर्दशा देखता है ना साहब तो वह जीते जी मर जाता है। तो काका क्या तुम्हें हमारी कानून की व्यवस्था पर भरोसा नहीं है? भरोसा किस पर करूँ साहब, अभी देखा ना अपने देश में किस तरीके का माहौल चल रहा है, जहाँ एक लड़की रोज काम करने जाती है और उसी जगह पर उसके बलात्कार किया जाता है साहब। क्या किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी? क्या उसकी दर्द भरी चीखें किसी के कानों तक नहीं पहुंची? साहब आपको नहीं लगता अगर उसके पास कोई बचने का साधन होता तो वो अपनी जिंदगी बचा सकती थी? तो क्या हर माँ बाप अपने बच्चों को बंदूक थमा दे हाथ में, हर किसी को कातिल बना दे हम? कातिल साहब जब एक लड़की की इज्जत लूट ली जाती है तब उसके पास बचता ही क्या है, और बदनसीबी से अगर वो जिंदा रह भी जाती है तो इस बेरहम दुनिया को जवाब क्या देगी? और ये समाज तो सब यही कहेगी कि लड़की के माँ बाप ने लड़की पर ध्यान नहीं दिया, लड़की छोटे कपड़े पहनती थी, लड़की का चाल चलन खराब था, ऐसे हजारों बेबुनियाद इल्जाम उस पर लगाए जाते हैं। और जब इतना होने के बावजूद भी अगर वो अपराधी छोड़ जाता है तो 10 और दरिंदे उसके साथ गलत करने का सोचते हैं साहब। और एक बाप यह सब कुछ चुपचाप सुनता है साहब, और वह गरीब कर भी क्या सकता है? काका बंदूक के लाइसेंस के लिए एक ठोस कारण देना होता है, हम हर किसी को ऐसे लाइसेंस नहीं दे सकते। साहब जब एक घर में एक लड़के का जन्म होता है तो उसका जन्म से लेकर शादी तक उसकी हर खुशियों का ध्यान रखा जाता है, उसकी हर छोटी छोटी खुशियों को पूरा किया जाता है साहब, उसको हर तकलीफों से दूर रखा जाता है। लेकिन कुछ दरिंदों जब उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं तो फिर आते हैं सर न्यूज़ वाले, वीडियो वाले, जो एक बात को नए नए तरीके से पेश करते हैं साहब, और यह सब जब एक बाप देखता है तो वह जीते जी मर जाता है, और जो दोषी होता है वह आराम से जेल के अंदर अपना जीवन व्यतीत करता है साहब। तो मेरे पास एक ठोस कारण है साहब कि मेरे घर में दो बेटियां हैं और शहर में जानवर घूम रहे हैं।